हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी बच्चे एक नियमित तरीके से अपनी पढ़ाई करके अभी तक मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उन टॉपिकों को आपने पूरा कर लिया होगा और साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। यहाँ स्टूडेंट्स, एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि कक्षा 10 की पढ़ाई और कक्षा 11 की पढ़ाई, इन दोनों में अंतर है। कक्षा 10 की पढ़ाई बहुत कम थी और कक्षा 11वीं की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और आप सभी बच्चों को नियमित तरीके से पढ़ाई करनी होगी, तब आप कक्षा 11 की चीज़ें सीख पाओगे। नो डाउट कक्षा 11 का पेपर और 12 के पेपर अलग अलग हो गए हैं, मगर कक्षा 11 का हर एक टॉपिक आपके कक्षा 12 के टॉपिक से जुड़ा हुआ है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उसमें जितना पोर्शन कक्षा 12 का आता है उतना ही पोर्शन कक्षा 11 का आता है। तो आप सभी बच्चे कक्षा 11 को एकदम लाइटली मत लीजिए और अच्छे तरीके से जिस क्रम में आप पढ़ रहे हो उस क्रम में आप पढ़ते चलिए, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे बोलना चाहता हूँ कि कुछ इरेगुलरिटीज़ की वजह से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे आपके लिए वीडियो बना करके वीडियो डालता जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उन वीडियो को देखकर अपने नोट्स रेडी कर लोगे और टॉपिक को ध्यान से सीख लोगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत उपयोगी है और आप सभी लोगों को इसमें मज़ा आने वाला है। टॉपिक का नाम है एन प्लस एल रूल, इसको हम बोलते हैं एन प्लस एल नियम। ठीक है, ये एन प्लस एल नियम क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इस टॉपिक पर फाइनली पहुँचना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचने के लिए हमें जिस नियम की ज़रूरत पड़ने वाली है उसका नाम है एन प्लस एल नियम। देखो, एन प्लस एल नियम क्या होता है इसको आप ध्यान से समझो। आप सभी लोगों ने सीखा है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। उसमें आपको हमने बताया था कि वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी देती हैं उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। आपको बता चुका हूँ कि वे संख्याएं जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी देती हैं उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। आपको ये भी पता है कि क्वांटम संख्याएँ चार प्रकार की हम लोगों ने पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से दर्शाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको हम स्मॉल l से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हो, दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब जब आप उन चीज़ों को पढ़ चुके हो तो बस उसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक नया शब्द है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से समझना, इस शब्द का मतलब थोड़ा समझ लें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसको आप समझ लें। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे पास कोई भी परमाणु है उसके केंद्र में होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पढ़ा हुआ है ना, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो परमाणु हैं उसमें दो भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है नाभिक, इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब आपको पता है कि चारों ओर जहां चक्कर लगाएगा उसको बोलते हैं कक्षा, और कक्षाएं मिलके बनी होती हैं उपकक्षा से, या जिसको हम उपकोश कहते हैं। उपकक्षाएं मिलके बनी होती हैं कक्षक से, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं।
और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। कक्षा जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उपकक्षा जिसको हम बोलते हैं सबशेल, सबशेल, ठीक है। इसको हम ऑर्बिट की जगह क्या कह सकते हैं? शेल, शेल भी कह सकते हैं। शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, एक ही चीज़ है। उपकक्षा को हम बोलते हैं सबशेल या सब ऑर्बिट। कक्षक को हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जिसको कुछ लोग ऑर्बिटल भी कहते हैं। जो भी उच्चारण करना चाहो वो आप कर सकते हो। और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दो, जिनके चक्रण होते हैं उल्टी दिशा में, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ लोग कहेंगे हम कक्षा में क्यों व्यवस्थित करें, कक्षाएं तो किससे मिलके बनी हैं? उपकक्षाओं से। तो हम लोग अगर उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कुछ लोग कहेंगे हम उपकक्षा में क्यों व्यवस्थित करें, हम तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे, तो भी वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें ये चीज़ पता है कि हमारे परमाणु में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। उन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है कि पहली कक्षा में कितने हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं, तीसरी कक्षा में कितने हैं, एस उपकोष में कितने हैं, पी उपकोष में कितने हैं, 1s में कितने होंगे, 2s में कितने होंगे, 3p में कितने होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का जो तरीका है, सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस शब्द का मतलब आपको आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो कौन सा पढ़ा हुआ है? बोरवरी का नियम, ठीक है, बोरवरी का नियम। मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये आप पढ़ चुके हो कक्षा 10 में, बोरवरी का नियम। इसमें कहता है कि किसी किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, कितनी होती है? 2n² होती है। अगर हम n बराबर 1 रख दें तो इसका मतलब 2 × 1² दैट इज 2। अगर हमने n बराबर 2 रख दिया तो 2 × 2² दैट इज 8। n बराबर 3 रख दिया तो 2 × 3² दैट इज 18। इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8। तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 18। चौथी कक्षा में कितने होंगे? 32। ऐसे और निकल आएगा। तो देखो हमने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रखा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ये एक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका बताया है कि पहली कक्षा में कितने हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं, तीसरी कक्षा में कितने हैं, चौथी कक्षा में कितने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जैसे आपको बताओ, आप सभी लोग लिखते हो ना सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका विन्यास क्या लिखते हो? 2, 8, 1। हम लिखते हैं क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका विन्यास क्या होता है? 2, 8, 7 होता है। तो ये जो विन्यास, ये जो 2, 8, 7 लिख रहा है, ये क्या है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। तो कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉनों को भरना जानते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो तरीका होता है वो हम सीख चुके हैं। उस तरीके को हम कौन सा नियम कहते हैं? बोरवरी का नियम कहते हैं। ये आप जानते हो कि किसी भी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। मतलब पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तीसरी में 18 से ज़्यादा और चौथी में 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? ये आप सभी लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ये हमारा टॉपिक नहीं है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे कक्षाओं में तो भरना जानते हैं, हम बात करेंगे किसकी? उपकक्षाओं में। उपकक्षाएँ कौन सी होती हैं? जैसे आपको बताओ 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ये सब क्या हैं? उपकक्षा। इन सबको हम क्या बोलते हैं? उपकक्षा।
अब आपको ये तो पता है कि s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा नहीं होंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये तो आपको पता है, ये आपको बता चुका हूं मैं क्यों होते हैं, इसका भी रीजन आपको दे चुके हैं। तो यहां पर आपको पता है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा, ये तो आपको पता है। मगर ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा या 2s में जाएगा या 2p में जाएगा या 3s में जाएगा या 3p में जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले। जैसे यहां तो पता था कि इलेक्ट्रॉन पहले पहली कक्षा में जाएगा, फिर किस में जाएगा, दूसरी कक्षा में, फिर किस में जाएगा, तीसरी कक्षा में। तो यहां तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में जाएगा, जब वो कक्षा भर जाएगी तब दूसरी कक्षा में जाएगा, जब वो भर जाएगी तब वो तीसरी कक्षा में जाएगा। मगर यहां पर ये उपकक्षाएं हैं। अब देखो समझना थोड़ा सा, ये 1s, इस 1s का मतलब है, ये 1 क्या है, कक्षा, मतलब कक्षा कौन सी है, पहली, मतलब जो शेल है, जो शेल है वो कौन सा है, पहला, जो पहला सेल है उसमें केवल क्या है, s। अब देखो जैसे लिखा है 2s, तो इसका मतलब ये जो शेल है, ये जो कक्षा है, ये कक्षा कौन सी है, ये दूसरी है, ये शेल कौन सा है, दूसरा है। हमने कहा 3p, तो इसका मतलब ये जो कक्षा है वो कौन सी है, ये कक्षा कौन सी है, 3, मतलब जो शेल है वो कौन सा होगा, तीसरा। और ये जो p है वो क्या होगा, सब शेल, ये क्या होगा, सब शेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा भी है और उपकक्षा भी है। मतलब हमें ये तो पता है कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तब वो चौथी में जाएगा, मगर हमें यहाँ पर कक्षा के साथ साथ क्या दिया हुआ है, उपकक्षा भी दी हुई है। कक्षा के साथ साथ क्या दी हुई है, उपकक्षा भी दी हुई है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा पहले या 2s में जाएगा पहले या 3f में जाएगा या 4f में जाएगा या 3d में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा। इसको बताने के लिए हम जो नियम लगाते हैं वो नियम होता है n+l रूल। जो n+l रूल है उसके पीछे का लॉजिक केवल इतना सा है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, हमको इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने का तरीका सीखना है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये तरीका तो हमको पता है। इस तरीके को हम बोलते हैं बोरबरी का नियम, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तरीका हमको पता है। मगर हमको ये तरीका नहीं पता है कि उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, कौन सी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, कौन सी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, कौन सी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के भरने के तरीके को अगर हम सीखते हैं तो उस तरीके को हम कौन सा नियम देते हैं, n+l नियम नाम देते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये n+l नियम क्या होता है। बड़ा सिंपल सा नियम है और 2 मिनट में आप सीख जाओगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट बनाते हुए लिखते चलना। देखो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक को सीखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक है, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है। हमारा टॉपिक सीधा सीधा कौन सा है, n+l नियम। और n+l नियम के लिए लिखेंगे किसी उपकोश, किसी उपकोश की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए n+l नियम का उपयोग किया जाता है, n+l नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नंबर 1 पहला पॉइंट है, जिस उपकोश के लिए, जिस उपकोश के लिए n+l का मान, n+l का मान कम होता है,
कम होता है, उस उपकोष की, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है, उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जबकि जिस उपकोष के लिए n plus l का मान अधिक होता है, उस उपकोष की ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। ये पहला नियम है, अभी बता रहा हूं अप्लाई करके। दूसरा है, जब उपकोषों के लिए n plus l के मान बराबर होते हैं, तब ऊर्जा का निर्धारण n के मान द्वारा किया जाता है, अर्थात जिन उपकोषों के लिए n का मान कम होता है उनकी ऊर्जा कम होती है एवं जिन उपकोषों के लिए n का मान अधिक होता है उनकी ऊर्जा अधिक होती है ठीक है। ये है हमारा n प्लस l का नियम, जो आपको पहले तो याद होना चाहिए। अब याद आप करोगे, शायद याद नहीं होगा, हम लोग जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करोगे तो आपको दो मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 1s, ठीक है। चलो इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आप लोग चलो एक बार एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने कहा हमारे पास है 4p और हमारे पास है 2d तो होता भी नहीं है, ठीक है। 4p और मान लो हमारे पास है 5d, ठीक है। हमारे पास दो उपकोष हैं, कौन सा है, 4p और 5d। हमारा आपसे क्वेश्चन है किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, 4p की ज़्यादा है या 5d की ज़्यादा है। तो आप तुरंत से क्या निकालोगे, n का मान और l का मान। देखो ध्यान से, हम निकालेंगे किसका मान, n का मान, l का मान, और फिर किसका मान निकालेंगे, n प्लस l का मान। देखो 4p, इस p के आगे क्या लिखा है, 4, तो n का मान कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पर याद कर लो, s के लिए l का मान कितना होता है, 0, p के लिए l का मान कितना होता है, 1, d के लिए l का मान कितना होता है, 2, और f के लिए l का मान कितना होता है, 3। ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ p है तो p के लिए l का मान कितना हो जाएगा, 1, तो n प्लस l कितना हो गया, 4 plus 1, दैट इज 5। यहाँ देखो 5d, n का मान 5 है और d के लिए l का मान कितना हो जाएगा, d के लिए देखो 2, तो 5 plus 2 कितना हो जाएगा, 7। तो आप बताओ
एन प्लस एल का मान निकाल लिया 4s के लिए और 5d के लिए, एन प्लस एल का मान कम है 4p के लिए, ज़्यादा है 5d के लिए, तो एन प्लस एल का मान कम होता है तो उसकी ऊर्जा कम होगी, तो 4p की ऊर्जा कम होगी और 5d की ऊर्जा ज़्यादा होगी। नियम नंबर एक चेक करो, देखो नियम नंबर एक में क्या लिखा है, जिस उपकोष के लिए एन प्लस एल का मान कम होता है उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है। देखो दिख रहा है, 4p उपकोष के लिए n प्लस एल का मान 5 है तो उसकी ऊर्जा कम है, और 5d उपकोष के लिए देखो लिखा है ना, जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान अधिक होता है उस उपकोष के लिए ऊर्जा अधिक होती है, मतलब 4p की ऊर्जा कम है और 5d की ऊर्जा ज़्यादा है। यह आपको पॉइंट नंबर वन याद हो गया, ठीक है, पॉइंट नंबर वन याद हो गया। क्या याद हो गया कि जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान कम होता है उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, और जिस उपकोष के लिए n प्लस एल का मान ज़्यादा होता है उस उपकोष की ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट नंबर वन आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट को सीखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरे पॉइंट को उदाहरण के माध्यम से सिखा रहा हूँ, ठीक है, ले लिया होगा। देखो दूसरे पॉइंट में आप ऐसा समझो, हमारे पास तीन उदाहरण है, ठीक है, जैसे हमारे पास है 3p, ठीक है, फिर हमारे पास एक उदाहरण है 4s और दूसरे का नाम है 2p, चलो इसी को मान लो, चलो एक और ले रहा हूँ मैं 4d ले रहा हूँ। चलो मैंने तीन उपकोष लिए, कौन कौन से लिए, 3s 4s 4d। हमारा क्वेश्चन है इनको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लगाओ, मतलब किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो आप तुरंत क्या करोगे, हमने आपको क्या बताया, पहले किसका मान निकालोगे n का मान, फिर किसका मान निकालोगे l का मान, फिर किसका मान निकालोगे n प्लस l का मान। तो आप बताओ ये जो 3p है इसमें n का मान कितना है 3, और p के लिए l का मान कितना होता है 1, 4s में आगे क्या लगा है 4, तो n का मान है 4, और s के लिए l का मान कितना होता है 0, 4d, n का मान कितना है 4 और d के लिए l का मान कितना होता है 2। देखो l का मान आपको याद कर लेना है, s के लिए 0, p के लिए 1, 2 के लिए d होगा और 3 होगा f के लिए। तो आपने फटाफट l के मान लिख लिए, अब n प्लस l जोड़ो, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 प्लस 0 दैट इज 4, और 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो अगर हम आपसे पूछें इसमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, तो आप तुरंत कहते हो 4d की, क्यों, 4d के लिए n प्लस l का मान ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी हो गई 4d की। अब हमने कहा उससे कम ऊर्जा किसकी है, तो आप बोलोगे इसके लिए भी 4 है इसके लिए भी 4 है, दोनों के लिए मान कितना है 4 है, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी या ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी, इसका निर्धारण किससे होगा, n से होगा। देखो लिखा है जब उपकोषों के लिए n प्लस l के मान बराबर होते हैं, देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इन उपकोषों के लिए जब n प्लस l के मान बराबर होते हैं तब ऊर्जा का निर्धारण n के मान द्वारा किया जाता है, n का मान कितना है 3 है और n का मान कितना है 4 है। तो लिखा है अर्थात जिन उपकोषों के लिए n का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, मतलब n का मान कम किसके लिए है 3p के लिए, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी 3p की, और उससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी 4s की। तो ये होता है ऊर्जा का क्रम, ये होता है ऊर्जा का क्रम, बिल्कुल सरल नियम है। आपको क्या करना है, जो उपकोष दिए हैं, जो उपकोष दिए हैं उन सब के लिए n लिख लो, सब के लिए l लिख लो और सब के लिए n प्लस l लिख लो। अब जब सब के लिए n प्लस l लिख लिया तो आप देखो n प्लस l का मान कम किसके लिए है, जिसके लिए n प्लस l कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n प्लस l ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, और जब n प्लस l के मान बराबर हों तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का निर्धारण n प्लस l के मान से नहीं आएगा क्योंकि वो तो बराबर है। तब हम ऊर्जा का निर्धारण किससे करेंगे, n के मान से करेंगे। अगर n का मान कम है तो ऊर्जा कम होगी और n का मान ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं अब नए क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप तुरंत करके देखें कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी किसकी ऊर्जा कम होगी, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 4f 5d 3p 2s, ये हमारे पास चार उपकोष हैं, ठीक है, चार उपकोष हैं। एक और ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 4f तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने चार आपको उपकोष दिए, ठीक है, ये मैंने चार उपकोष दिए हैं और आप सभी से पूछा है कि फटाफट n प्लस l का मान निकालो और बताओ किसकी ऊर्जा कम है किसकी ऊर्जा ज़्यादा है। तो आपने तुरंत क्या लिखा, n का मान फिर l का मान फिर n प्लस l का मान,
देखो 4F में 4 लिखा है, N का मान 4, 5D में 5 लिखा है, N का मान 5, 3P में 3 लिखा है, N का मान 3, 2S में आगे 2 लिखा है तो N का मान 2, N का मान तो फटाफट लिख लिया। अब आप बताओ S के लिए L बराबर कितना होता है 0, P के लिए L बराबर होता है 1, D के लिए L बराबर होता है 2 और F के लिए L बराबर होता है 3, जोड़ दो तो 4 प्लस 3 दैट इज 7, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 3 प्लस 1 दैट इज 4, 2 प्लस 0 दैट इज 2। तो आप बताओ आपको N प्लस L के मान फटाफट निकल के आ गए सामने। अब आप बताओ आपको क्या बताया था, जिसके लिए N प्लस L कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, तो सबसे कम किसकी हो गई 2s, क्योंकि इसके लिए तो दो ही है, दो से ज़्यादा कौन है 4, तो 2s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी 3p की। अब इन दोनों के लिए देखो N प्लस L के मान क्या है, बराबर हैं, तो निर्धारण किससे होगा N से, N का मान कम किसके लिए है 4f के लिए, तो 4f की ऊर्जा कम होगी और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी हो जाएगी 5d की हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको करने के लिए, आप फटाफट करके देखें। हमारा क्वेश्चन है कि 3D, 5D, 3P, 4F और 6S, ये हमारे पास पांच कक्षक हैं। कौन कौन से हैं 3D, 5D, 3P, 4F, 6S। आपको क्या करना है, बताना है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, आपको क्या बताना है ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले N निकालना है, फिर L निकालना है, फिर N प्लस L निकालना है, जिसके लिए N प्लस L कम होगा उसको पहले लिखना है। मतलब आपको ये क्रम चाहिए, ये वाला क्रम चाहिए, इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। सबसे पहले सबसे कम वाले की, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, फिर अधिक, फिर सबसे अधिक आ जाएगा सबसे आखिरी में। ये क्रम आपको निकालना है और इस क्रम का जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप सभी बच्चों को N प्लस L नियम समझ में आ गया होगा, इसको आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा और इस पर आधारित क्वेश्चन करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पर वीडियो देख करके उस चीज़ को सीख पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।